से जुड़ा हुआ हूँ और इंसानियत के लिए, इंसान की सेवा के लिए हम खिदमत कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम साथ के साथ हैं और आगे भी हम खिदमत करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम सरदार अमर सिंह है, चेयरमैन पाकिस्तान खालसा सिख काउंसिल से और नेशनल पीस कमेटी से मेरा ताल्लुक है और खालसा तहरीक के साथ हम मिलकर जो है निशाना निशाना करें और इंसानियत की कौम के लिए खिदमत के लिए हाजिर। मैं प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अली कल्चर स्क्रीन सीनियर अलमारी बंदी खालसा तहरीक आपसे मुखातिब हूँ। आज के जिस एजेंडे के हवाले से शाहनवाज साहब ने बात की है, जो खालसा तहरीक के लाजमी अदारा मुकदर हुए हैं, इनका इन्होंने जो जिस लेवल पे यूसी लेवल पे ग्रास रूट लेवल पर जो काम शुरू करने का हमने अजम किया है, इसका इंशाल्लाह नतायज इसके बड़े इंतजामी हैं और इस पर तमाम खादसारों को मैं ये हुक्म देता हूँ कि ग्रास रूट लेवल पर खादसा तहरीक को मोहल्लावार निज़ाम की सतह पर उसको ऑर्गेनाइज करें। ये खादसा तहरीक का प्रोग्राम हमने शुरू किया है ग्रास रूट लेवल पर और इसके इंकलाबी जो नतायज निकलेंगे वो इंशाल्लाह अभी हम आपको बताएंगे। जी मोहम्मद असलम साहब हमारे पास आ गए हैं, माशा अल्लाह खालसा तहरीक के हमारे बहुत करीबी साथी हैं और बहुत एक्टिव साथी हैं। इन्होंने जो सैलाब सरकार में जो भी क्राइसिस हुआ था पाकिस्तान को, उसके लिए बहुत अच्छा वर्कआउट किया, हर चीज़ हमने इनकी देखी और बहुत सराहा। हम चाहते हैं कि इनकी भी कोई सजेशन हो इस मीटिंग के एजेंडा पे, क्या लाइन मतलब तैयार करें और कैसे करें। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, आप भाइयों का। तो यहाँ पे ये जो है कि जो फूल बैठे और ये खालसा तहरीक एक गुलदस्ता है, तो हमें बहुत खुशी हुई और जो हकीम साहब ने, प्रोफेसर साहब ने जो ये एजेंडा रखा है कि हम इस काम को और बढ़ाएं, कराची में, पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में जो ना जिस तरह पहले खालसा तहरीक थी उस हवाले से हम इसको जो ना और आगे बढ़ाएं अच्छे और बेहतरीन में लाएं। तो इंशाल्लाह हमारा ये कोशिश है और हमने काम किया है सैलाब में और सबसे मेन चीज़ है कि जो है ना हम इसमें अच्छाई का एक वो मैसेज देते हैं खालसा तहरीक। तो इसमें सबसे बड़ी बात इसमें ये इंसानियत, कोई किसी में इसमें ना मुसलमान ना हिंदू ना सिख, इसमें किसी किस्म का वो नहीं है, ये एक इंसानियत हर इंसान के लिए। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और आप सब भाइयों पर से तावन है कि इसमें हम हमारी हौसला अफजाई करें और हमसे आप जो है हम आपसे ये तौर कर आप हमसे जुड़े तो हम इस तारीख को और आगे बढ़ा सकते। और
हवाले से सबसे पहला जो हमारा मिशन है वो हमारी आसार के जो वर्कर बॉडीज है ग्रास रूट लेवल पर मिलता है। पूरे सिंध के अंदर 27 डिस्ट्रिक्ट है, 27 डिस्ट्रिक्ट में से 26 डिस्ट्रिक्ट वो ही जो आबाद है, बाकी एक दो जो बचते हैं वो आबादी जो है वहाँ फोर्स का वो भी जो मेन फोकस हमारा ये है कि कराची में क्योंकि गुंजान आबादी हर तरफ हमारा कोई ना कोई हम हर बंदे को अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं। नीचे से ऊपर काम करने का हमने क्यों सोचा है क्योंकि हम ऊपर भी अपॉइंट कर सकते थे किसी को डिस्ट्रिक्ट का किसी को टाउन का, इसलिए हमारे पास वो मेजोरिटी नहीं आती। अभी हम लोगों ने फिलहाल जो है क्वांटिटी पे काम कर रहे हैं क्योंकि क्वालिटी में तो लोग ही हमारे पास, क्वान्टिटी में हम कम पड़ जाते हैं। तो कराची में हम रह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन हम तैयार कर रहे हैं उसके लिए क्वान्टिटी बहुत कम है, तो जो क्वालिटी लीडर हैं हमारे पास उनको हम अपॉइंट करेंगे यूनियन काउंसिल्स में, टाउन में और डिस्ट्रिक्ट में। हमारे सिंध के जो नायब वाला हैं या कराची के हैं वो उसको हेड करेंगे और उनके साथ साथ कमिटीज होंगी। मिसाल के तौर पर हमने उस्मान को या फूर को डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का या टाउन का हेड अपॉइंट कर दिया, उसका मतलब ये नहीं है कि वो हेड अपॉइंट हो गया, नोटिफिकेशन लिया, घर में बैठ गया, जब टीम साहब का मैसेज आया तो मीटिंग में बैठे, नहीं। हम पूरा एक एजेंडा समझाएंगे, हम कर क्या रहे, हमारा मिशन क्या है और हम आगे क्या लाए, हम तैयार कर रहे हैं और हम क्यों कितने लोगों को मदद करना चाह रहे हैं, या फिर जो हमारे पास लोग खुद आ रहे हैं उनको हम कैसे एडजस्ट कर रहे हैं और कहाँ कहाँ उनको क्या क्या जिम्मेदारियाँ देंगे, ये सारी हम डे बाय डे बताते जाएंगे सबको। तो अभी मीटिंग कॉल करने का ये हमारा मकसद था, एजेंडा था जो खास हमने इसके लिए बुलाया आपको, तो हम आपकी सजेशन से, हम तो कुछ भी बोल सकते हैं, हमारे पास तो काम बहुत है, बेइंतहा काम है, लोग इसके लिए कम पड़ जाते हैं, लेकिन हम उन लोगों को वो जिम्मेदारियाँ देंगे जो वो खुद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, तो अपने अपने फोरम पे वो वर्कआउट करें, इसके लिए उनको आसानी नहीं होती। तो उसके फोरम तो हमारे पास सारे कम्प्लीट, पेपर वर्क जो है, जो भी पॉलिसीज है वो सब कम्प्लीट हो चुकी है। हमने ग्रास रूट पर काम शुरू करना है। ग्रास रूट पर काम करने का मतलब ये नहीं है कि अभी मैं कहूँ, मिसाल के तौर पर मैं यूसी फोरम में रहता हूँ कि नहीं मैं तो इतना एक्सपर्ट हूँ, मेरे पास तो इतनी एक्सपर्टीज है, मेरा एक मुकाम है, एक होता है, बड़ी बड़ी पोस्ट पर मैं रह चुका हूँ। यू सी में क्या बोल, यू सी में रहने का मतलब ये है कि इसके अंदर हमें दो हमारे मकसद है। एक तो सबसे पहले बंदा जब खाकसार तहरीक का साथी बनता है, वो खाकसार बनता है, उसके सारे रूप भ्रष्ट हो जाते हैं, वो एक अद्दा सा मुसलमान होता है जो हमारा दिन में मिले सिखा, वो अपने ग्रास रूट लेवल पर काम करेगा, अपनी पहचान बनाएगा, फिर डे बाई डे हम उसको अराइज करेंगे कि इसने इतना वर्कआउट कर लिया, इतने लोग आ गए, इतना। अब लोगों को गैदर करना ये आजकल के दौर में कोई मुश्किल काम नहीं है, हर बंदे के पास जो है ना सोशल नेटवर्क को यूज़ कर रहा है, किसी दोस्त को फोन किया, उनकी दावत बुलाई, चाय पर बुलाया, दोस्त को बुलाया, अपना विजन बताया, अपना मकसद बताया, लोग कर नहीं रहे, करेंगे तो लोग आएंगे। तो हर एक बंदे का पता करना हमने मैसेज पहुँचा है, हमने किस तरह ऑर्गेनाइज करना है, हम यहाँ पर हर बंदे को साथ के ऑर्डर से वो दे देंगे कि भाई ये तुम्हारा काम है आज के बाद, आप तुम्हें ये दो, ये मेरा टारगेट है, अगर आप उसको कर सकते हैं तो भी आप लोग बताएं, अगर नहीं कर सकते तो भी बताएं, क्योंकि एक बंदे का एक माइंड सेट बन जाए। हम सबसे पहले अपने उन लोगों को अप्रोच कर रहे हैं जो हमारे साथ एक अरसे से चले आ रहे हैं, क्योंकि वो सिस्टम को समझते भी हैं, उनको बार बार समझाना भी नहीं पड़ेगा, हम चाह रहे हैं कि वो भी सजेशन दें। तो मैं चाहूँगा कि बंदे मुकेश कुमार साहब जो हमारे हिंदू कम्युनिटी के हेड हैं, खास आते हैं तरफ से उनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो सजेशन सुनाएँ कि इसके लिए आप क्या कर सकते हैं।
पहले तो मैं आपको खराज पेशन पेश करूँगा कि बड़े अच्छे शब्दों में आपने जो मीटिंग था उसका एजेंडा जो था वो सबके सामने बयान किया, और तेरी के जब भी कामयाब होती है जब वो छोटे लेवल से ऊपर के लेवल पर आती है, वो छोटे लोगों के पास जाते हैं और उनके मसाइलों को हल करते हैं, क्योंकि वैसे कि ज़्यादातर जो मसाइल जो होता है ना वो छोटे लोगों के ही होते हैं, बड़े लोगों को तो होते नहीं। तो ये साथ साथ तेरी भी उसी बिना पर है, तो मुझे अगर मौका मिला है तो बहुत से मसाइल हैं कम्युनिटी के अंदर, एजुकेशन का मसला है, बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो हम एकदम साथ मिलकर उसका हल कर सकते हैं, उसका मसला हल कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी सतह पर भी जो है हम अगर तेरिक के साथ जुड़ गए तो हमारी तेरिक जो है उस मसले को आगे पहुंचा सकती है, नहीं अकेला तो नहीं पहुंचा सकता, लेकिन जब हमारी यूनिटी होगी और जब हमारे सर हकीम साहब होंगे, हमारा लेटर हेड होगा, हमारी एकता होगी और हम सब एक होंगे, तो हमारा एक रूट बनेगा, और फिर जब रूट बनेगा तो आगे हमारी कोई दरख्वास्त जाएगी तो जरूर कामयाब हो जाएगी, आगे हमारे मसाइल भी हल होंगे। तो एजेंडा यही होना चाहिए कि हमको निचली सतह पर जो है वो काम शुरू करना चाहिए। जब निचली सतह में पसमंदा एरियाज में या ऐसे लोगों के पास मिलते हैं जो लोग परेशान हैं, जिनके मसाइल बहुत हैं, अगर हम उनके साथ डोर टू डोर का काम करते हैं, और चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी मजहब से हो, किसी भी फिरका से हो, किसी भी मसलक से हो, तो फिर हम उनके साथ लेकर अगर हम चलते हैं तो फिर आगे हमको बड़े आसानियाँ होगी, और फिर हमारा लेवल एक जो होगा वो बड़ा ऊपर आएगा, और फिर हमारी जो खिदमत है वो नजर आएगी लोगों को, जब खिदमत नजर आएगी, जब सेवाएं नजर आएगी, तो फिर सारे मसले खुद ही खुद हल हो जाएंगे। तो पहले तो हमें एकता की जरूरत है हमारी तहरीक, और ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर लोग अगर शमूलियत अख्तियार करते हैं, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से हो, सिख कम्युनिटी से हो, चाहे वो किसी मसलक से भी हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारे शिया बिरादरी से हो, चाहे हमारे दूसरे बिरादरी से भी हो, तो वो सारे लोग जब एकजुट मिलकर जो है किसी सतह पर काम करेंगे तो फिर हो सकता है कि हम वो तो वो समय दूर नहीं है कोई काम हमारे लिए मुश्किल हो सके, कोई हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। और जब एकता होगी, और एकता में ही ईश्वर है, और एकता में ही सब कुछ है, और एकता में ही जीत है। तो उसी प्रकार से बड़ी अच्छी बात दुरानी साहब की थी, तो हमें पहले निचले सतह पर जो है वो काम करना चाहिए और लोगों के मसलों को हल करना चाहिए। अगर एक दो मसले हो गए अगर निचले व्यक्ति के, तो देखे वो आप पे कितना भरोसा करेगा, कितना विश्वास रखेगा, और किसी के विश्वास को जीतना ही जो है उसके काम से होता है। जब आप उसके मसले हल करेंगे तो उसका विश्वास अगर आपके ऊपर आ गया तो फिर देखें कि ये तहरीक है ही गरीबों की, ये तहरीक है ही जो मसीहों की, बेवाओं की, और जो लोग परेशान हैं उनके लिए तहरीक है, और इलाके अल्लाह के सिपाही, और इलाके अल्लाह के जो सिपाही होते हैं, जो परमात्मा के सिपाही होते हैं, वो कभी किसी से नाइंसाफी नहीं करते, उनका हक उन तक पहुंचाते हैं। तो इसी प्रकार से छोटे लेवल से अगर हम चलेंगे तो फिर एक कामयाबी हमें आगे अल्लाह ताला खुद वो नसीब करेंगे। तो हम सर के साथ हैं और आप लोग इस बात हैं, और हम भी अपनी कम्युनिटी के अंदर उजागर करेंगे इस बात को, और उनको हम इच्छा करेंगे कि आइए उस रस्सी को पकड़े और मिलकर आपस में हम काम करते हैं, और जो है हमारे वतन पाकिस्तान के अंदर और इसी से खुशहाली आएगी और इसी से हरियाली आएगी। जी साहब, सरदार अमर सिंह साहब हमारे साथ बैठे हुए मौजूद हैं हमारे स्टेडियम में, सिख कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है, अपने इलाके की कम्युनिटी को ये अटेंड करते हैं, मैं चाहूँगा कि इनकी भी कुछ सजेशन हम देखें। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो है यानी अपना एजेंडा जो है यहाँ पर रखा, और आज का जो पैगाम था और आज का जो झंडा था वो यही है, यानी इंसानियत के ऊपर, और यानी खास चाहे तहरीक जिस तरीके से अपनी यानी मेहनत और अपनी काबिजों का सर अंजाम दे रही है, और आज उसी के लिए हम सारे जने यहाँ पे मधु हुए हैं, और खास चाहे तहरीक की यानी काबिजों को और उनकी बातों को और उनकी टीम को सराहने के लिए, और खादसा तहरीक की कैसी तंजीम है जो बगैर रंग और नस्ल के लोगों को देखते हुए काम कर रही है। खादसा तहरीक एक वाइज ऐसी तंजीम है जो अल्लाह की भेजी हुई और अल्लाह के भेजे हुए सिफाई की एक टीम है,
और जिसमें जो है आप देखे इतने हसीन गुलदस्ते, इतने हसीन गुलदस्ते चेहरे आज खालसा तहरीक के साथ बैठे, इसकी वजह ये क्योंकि ये इनका ताल्लुक खालसा तहरीक का ना कोई सियासी पार्टी से है, ना कोई सियासी तंजीम से है, ना कोई सियासी लीडर से है, इनका ताल्लुक सिर्फ तो सिर्फ है तो उस परमात्मा से, उस अल्लाह के साथ है। तो आज उनकी कृपा से और उनके आशीष से खालसा तहरीक आज अपना मकाम, अपना पावर और अपना पाइन धाम बना के बैठी है। और आज इन्हीं की काविशों को देखते हुए खालसा तहरीक में हिंदू कम्युनिटी के हमारे सरपरस्त महाराज जी अपनी कम्युनिटी के अंदर जो है यानी नुमाइंदगी कर रहे, मैं अपनी कम्युनिटी के अंदर नुमाइंदगी कर रहा हूँ। आप देखें हमारे मेरे साथ जो है मेरे भाई बैठे है, ये यानी बलूचिस्तान से आए हैं खालसा तहरीक के अंदर शमूलियत ली है इन लोगों ने, और इनका भी मैसेज है ये यहाँ पर आके सुनना और अपनी कम्युनिटी के पास जाके, अपने लोगों के पास जाके खालसा तहरीक का लेक्चर देना और उनका प्रचार देना। तो खालसा तहरीक सिर्फ तो सिर्फ काम तो कर रही है, और मैं देखने वालों को भी और अपनी सिख बरादरी वालों को भी, मेरी सिख बरादरी खालसा तहरीक के साथ तो है और हमेशा रहेगी, जहाँ खालसा तहरीक सिख बरादरी को याद करेगी, क्योंकि सिख कम्युनिटी एक ऐसी यानी एक तंजीम है, एक ऐसी कम्युनिटी है कि खालिस कौम है। और इसी तरीके से खालसा तहरीक भी जो है यानी एक खालिस जो है यानी टीम चल रही है और खालिस पंथ चल रहा है। तो इसी तरीके से मैं हकीम अस्तरी साहब को और जो है खालसा तहरीक के तमाम अहदेदारान को, उनके मेम्बरान को मैं ये यकीन दिलाता हूँ, मेरी पूरी सिख कम्युनिटी पाकिस्तान से लेके कराची तक की मेरी पूरी सिख कम्युनिटी आपके साथ है और आपके साथ शाना बेशाना खड़ी रहेगी। और जो है आज से हम भी अपने यानी जो है दीगर इलाकों में और अपने कंपाउंड्स में अपने लोगों में खालसा तहरीक का लेक्चर, खालसा तहरीक का प्रचार जो है यानी देंगे, क्योंकि वही बात है जब तक हम यानी एकता नहीं होंगे, जब तक हम किसी को एकत्र नहीं करेंगे, तो जब तक एक टीम भरपूर तरीके से वो कामयाब होके वो मैदान में नहीं आएगी। तो इसलिए खालसा तहरीक का जो है यानी प्रचार देना चाहिए और खालसा तहरीक एक इंसानियत के ऊपर और एक भाईचारे के ऊपर और एक यानी अकलियतों के ऊपर एक काम कर रही है खालसा तहरीक। तो आए आप सब जरे मिल के खालसा तहरीक के साथ रहे और खालसा तहरीक के साथ मिल के काम करे और खालसा तहरीक के साथ शाना बेशाना खड़े रहे। थैंक यू सो मच, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहतरम मीर शेर अहमद साहब। मीर शेर अहमद साहब शेंगल में तारीख बलूचिस्तान से और हम शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ पर आए हैं और हमें हमारे साथ साथ शादी में चाहते हैं कि अपने बारे में कुछ बताएँ और खालसा तहरीक के लिए क्या कर सकते हैं वो भी आप से जानते हैं। शुक्रिया तो आप लोगों का अकीम सर पर मुझे यहाँ पर हुआ है मीटिंग। मेरा नाम शेर अहमद मीर है, मैं सिविल सेक्रेटरेट में सेक्शन ऑफिसर हूँ, बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक है और सिविल सेक्रेटरेट का मैं फोकस पर्सन भी हूँ। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में जो भी काम होते हैं वो मेरे जरिए से होते हैं। वो बात ये है कि जैसा कि दुरानी साहब ने बताया तफसील से खालसा तहरीक का जो है जिक्र किया, तो बात यह है कि विरासत जो रूट होता है यानी कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो जब उसको बातें सिखाया जाता है, जब उसको चलना फिरना सिखाया जाता है, इसी तरह हमें भी विरासत रूट से ऊपर ले जाना है। तो हम लोग तो पहले ही ये काम कर रहे हैं क्योंकि हम लोग मुख्तलिफ तंजीमों के हवाले से और अपने इलाके की समाजी वर्कर के हवाले से, मैं खुद नाजुम भी रह चुका हूँ अपने एरिया पर, तकरीबन बहुत दूर हुआ है, उस टाइम में बहुत छोटा भी था। तो बात यह है कि ये सिलसिले हम लोगों ने पहले से जारी रखा है। हमें सारे जो भी दुरानी साहब ने बात की, मोहतरम साहबान ने की, मैं उसके साथ मुतफिक हूँ, इंशाल्लाह इस तरह काम करते रहेंगे। मेरा